नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों दीपावली से पहले आपके घर में पड़ेंगे इस देवी के शुभ कदम। भूल कर भी नजरअंदाज मत करना। अगर ये तीन संकेत मिले तो समझ जाना। अब मित्रों, यह देवी आपके घर किसी भी रूप में पधार सकती है, चाहे गाय के रूप में पधार सकती है, किसी महिला के रूप में पधार सकती है, किसी कन्या के रूप में पधार सकती है, या किसी भी रूप में पधार सकती है। लेकिन हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर आप पहचान पाएंगे कि आपके घर में देवी के शुभ कदम पड़ गए हैं और आपके घर में देवी विराजमान हो गई है। मित्रों, साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्वागत में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी हैं और कौन सी सावधानियां बरतना पड़ेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक-एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार-बार नहीं बनता है। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि दीपावली से पहले कुछ देवियां होती है जो हमारे घर में पधारती है, और जब ये हमारे घर में पधारती है तब से हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव यश और कीर्ति प्राप्त होती है और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो मित्रों आइए हम आपको बताते हैं कि जब देवी आपके घर में पधारेगी तो कौन से संकेत मिलेंगे। मित्रों ध्यान रखिएगा कि देवी जो है किसी भी वक्त आपके घर में पधार सकती है, तो आपको इस समय के अंतराल में ध्यान रखना है कि यदि आपकी नींद रात में 2 से 4 के बीच अचानक खुल जाए तो समझ जाइएगा कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है मित्रों, क्योंकि हमारे शास्त्रों हमारे पुराणों में भी बताया गया है कि 2 से 4 बजे के बीच का जो समय रहता है वह समय सबसे पवित्र समय माना गया है। तो इस समय के अंतराल में अचानक से अगर आपकी नींद खुल रही है तो आप मित्रों सचेत हो जाइए, क्योंकि इस समय के अंतराल में कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करने का समय होता है। सकारात्मक ऊर्जा यानी कि यह देवी आपके घर में प्रवेश कर सकती है। तो इसलिए मित्रों आपको ध्यान रखना है कि यदि 2 से 4 के बीच में आपके आंखें खुले, आपकी नींद खुल जाए तो आपको तुरंत अपने घर के मंदिर में जाना है और भगवान से हाथ जोड़कर अपने मन की जो भी मुराद है वह बोलना है और प्रार्थना करना है। वहीं मित्रों आपको 2 अगरबत्ती भी लगा देनी है। तो ध्यान रखिएगा कि यह तो था पहला संकेत। और मित्रों इस समय के अंतराल में यदि कोई भी गाय आपके घर के द्वार पर पधारे तो आपको उन्हें भगाना नहीं है, अपमान नहीं करना है, क्योंकि यदि यह देवी आपसे एक बार रूठ गई तो आपके जीवन में बड़ा भूचाल भी आ सकता है। इसलिए इस समय के अंतराल में यदि कोई भी गाय, चाहे पशु हो, पक्षी हो या कोई भी जीव हो, आपको घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। वही मित्रों यदि आपके घर में अचानक से सकारात्मकता पनपने लगे, अचानक से खुशियां आपके घर में आने लगे, तो भी समझ जाइएगा कि इस देवी के शुभ कदम आपके घर में पड़ गए हैं। क्योंकि मित्रों कहते हैं कि जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में पधारती है तो हमारा जीवन भी सकारात्मक होता है और हमारे साथ घटने वाली घटनाएं भी सकारात्मक होती है। मित्रों आपको ध्यान रखना है कि आप इस समय के अंतराल में
अपने घर की दहलीज पर स्वास्तिक बनाएं। फिर चाहे वह स्वास्तिक चंदन का हो, हल्दी का हो, कुमकुम का हो या फिर केसर का हो। ध्यान रखिएगा कि पीले रंग का स्वास्तिक आपको रोजाना डेली पर जरूर बनाना है, क्योंकि यह देवी के कदमों को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। वहीं आपको एक नियम और बांध लेना है कि इस समय के अंतराल में सुबह और शाम एक कपूर का टुकड़ा अवश्य अपने घर की दहलीज पर जलाना है। अगर आप सुबह शाम नहीं जला सकते हैं तो कम से कम पूरे दिन में एक समय तो आप एक कपूर का टुकड़ा जला ही सकते हैं। इससे होता यह है कि घर में सकारात्मक पनपती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा घर में पनपेगी तो माँ के कदम तो आपके घर में पड़ेंगे ही। वहीं बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी करते हैं, जिसकी वजह से माँ के शुभ कदम घर में पड़ने के बजाय कोई अशुभ ऊर्जा हमारे घर में पधारने लग जाती है। सबसे पहले जहाँ से माँ के शुभ कदम आपके घर में पड़ेंगे, उस द्वार से संबंधित कुछ नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। ध्यान से सुनिए कि आपको अपने घर की जो दहलीज है, जो दरवाजा है, जो चौखट है, उस पर सातिये मांडने हैं, यानी कि स्वस्तिक। अब यह तो आप मांड लेंगे, उसके बाद आपको रोजाना सुबह और शाम डेली पर पानी छिटकना है। घर की जो दहलीज है उस पर आपको पानी छिटकना है, अर्थात आपकी तरफ से कोई भी गलती ना हो मित्रों। इसलिए हम आपको यह सब बातें बता रहे हैं ताकि इस देवी के शुभ कदम आपके घर में पड़े और आपके घर में भी खुशियां निवास करें। त्योहार के टाइम पे धन वैभव सुख समृद्धि आए, तो एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर की दहलीज पर गोबर भी लिप सकते हैं। हालांकि आज के इस युग में तो जमाना आगे बढ़ गया है, हर कोई अपने घर की दहलीज पर गोबर नहीं लिपता है, तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो थोड़ा सा गोबर लाकर अपने घर की दहलीज पर लगा दे। गोबर जो होता है सबसे पवित्र होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग दिवाली के वक्त अपने घर के बाहर गोबर पोतते हैं, तरह तरह से उपाय करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और मित्रों, आपको पूजा स्थल पर भी कुछ संकेत मिलेंगे, यानी कि जब आप बाती जलाएंगे और आपकी बाती अचानक से ऊंची ऊंची लौ पकड़ने लगे तो इसे भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि हमारे घर में कोई सकारात्मक ऊर्जा, कोई देवी देवता विराजमान है। अक्सर मित्रों आपने देखा होगा कि जब आप मंदिर में जाते हैं तब पुजारी भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी जो लौ होती है वह लौ पहले तो बहुत स्लो चलती है, लेकिन कुछ समय के बाद वह लौ थोड़ी सी ऊंची उड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देवी देवता जो होते हैं जब प्रवेश करते हैं, जब घर में आते हैं, तो अचानक उनके खिलने, उनके प्रसन्न होने का संकेत लौ बताती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और रोजाना सुबह शाम आपको इस समय के अंतराल में तो दिया बत्ती करने ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिया बाती के समय आलस खाएं, बिस्तर पर सोए रहें, और सुबह के वक्त में भी आपको जल्दी उठना है, क्योंकि यह जो समय है यह समय बहुत महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र माना गया है। इस समय को आपको ऐसे ही नहीं गवाना है। हमारे गुरुजी ने बताया है कि जब इस देवी के कदम आपके घर में पड़ेंगे, घर में दिन दोगने और रात चौगनी तरक्की होगी। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो नहीं मांगोगे वो भी मिलेगा। जो नसीब में होगा वो तो मिलेगा ही, और जो नसीब में नहीं होगा वह भी मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि एक बार माता लक्ष्मी जिस घर से, जिस इंसान से, जिस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती है, उसका घर, उसका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाता है। तो वीडियो की समाप्ति मित्रों अब यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। और मित्रों आप सभी को बता दें कि रोजाना राशिफल तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही, लेकिन साथ ही ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति भी आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल पर वह जो स्क्रीन पर लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिएगा और पास में वह घंटे भी अवश्य ही दबा